तो दोस्तों आज हम HCF एंड LCM सीखेंगे। उससे पहले लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ये 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8, 9, 10, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं और चलता रहता है। आपके स्क्रीन पे पूरी टेबल आ चुकी होगी। ओके, अब आता है हमारा अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है। ऐसी वैल्यू जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है उसे हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, इसलिए उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे आता है हमारा सम संख्या, इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे चलता रहेगा, इसे हम सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या होता है हमारा ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे के सारे हमारे विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं। ओके, अब हम जानते हैं, हम सीखेंगे LCM। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको दूसरा नाम भी है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हमारा। हिंदी में से बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, लासा बोलते हैं। ऐसे ही HCF जो होता है उसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका एक और नाम भी है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और शॉर्ट फॉर्म मासा। LCM और HCF निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य गुणनखंड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इससे जल्दी सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन, और हिंदी में इसे बोलते हैं विभाजन विधि। तो हम आज एग्जाम्पल लेंगे, हम दोनों मेथड सीखेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए करते हैं तो HCF ऑफ 4, 6, 8 इनका लेंगे। हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो 4 का फैक्टर होंगे हमारे 2 एंड 2, गुणनखंड होंगे 2 और 2, 6 के होंगे हमारे 2 और 3, 8 के होंगे 2 गुना में 2 गुना में 2, 8 के फैक्टर ये हो गए। तो HCF देखोगे आप, इन सब में जो कॉमन है वो 2 है, इसलिए HCF ऑफ 4, 6 और 8 इज़ 2। तो HCF जो है 4, 6, 8 का 2 होगा। ये तो हमने सीखा हमने फैक्टराइजेशन मेथड, अब हम सीखेंगे डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि इसमें आप 4 और 6 और 8 में से एक वैल्यू छोटी वाली ले लो, एक वैल्यू बड़ी वाली ले लो। तो 4 और 8 को हम डिवाइड करेंगे, 4 और 8 को, तो 4 जो डिवाइड हो रहा है 8 से 2 पे जा रही है, 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका मतलब 4 को अब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4, रिमाइंडर 2, अब 2 आ गया रिमाइंडर, तो 4 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, इसका मतलब 2 जो है इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा 2 था, दोनों में सेम था। ये तो एक एग्जांपल लिया है हमने, तो इसका हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा कि हमने ले लिया 8, 16 एंड 20। अब 8 के फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 20 के फैक्टर करेंगे ये बनेंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसमें HCF जो होगा वो होगा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है पूरे में, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, बाकी सब कॉमन नहीं है तीनों में, इसलिए HCF जो होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर 4 होगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड की विधि से सीखा हमने। दूसरा है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, 8 और 20 ले लिया, तो 8 × 16 रिमाइंडर 4, तो इसको डिवाइड करेंगे, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 छोटा है 8 से, तो 4 × 8 और ये कट गया पूरा। अब 4 बचा है, 4 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम, 4 चौक 16 और ये पूरा कट गया, तो आंसर ये 4 सबसे काट रहा है, इसका मतलब जो HCF होगा वो हमारा 4 हो गया। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आपको देखो दोनों मेथड से आपने सीख लिया। अब हम लेते हैं LCM बनाना सीखते हैं। LCM में फिर से हमने सेम एग्जांपल लेंगे, LCM ऑफ 4, 6 एंड 8,
तो एलसीएम लेने के लिए इसमें हम सीखेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से। 4 के फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे 2 × 2, एंड 6 के होंगे 2 × 3, 8 के फैक्टर होंगे हमारे 2 × 2 × 2। तो एलसीएम जो होगा वो देखेंगे, आप देखो कि सबसे इसमें 2 2 बार आ रहा है, इसमें 2 1 बार आ रहा है, इसमें 2 3 बार आ रहा है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा है, तो इसलिए हम 3 बार लिखेंगे 2 को, और 3 जो है सिर्फ सबसे ज़्यादा बार 1 ही बार आ रहा है, तो इसको 3 को 1 बार लिख देंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24 एलसीएम है। अब ये तो हमने सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड से, अब सीखेंगे डिवीजन मेथड से। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड। तो इसमें हमने क्या करेंगे डिवीजन मेथड में, 4, 6 और 8 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। हमें डिवाइड प्राइम नंबर से करने हैं, जो मैंने बता चुका हूँ आपको पहले, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब ऐसे ही फिर से 2 लिया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर से 2 ले लेंगे यहाँ पे, ये 1 था तो 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड 3 ऐसे ही आ जाएगा। जो डिवाइड होते हैं उनको उतार डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड नहीं होते उनको ऐसे कैसे उतार लेंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 3 से करते हैं यहाँ पर 1 और 1 और 1। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो गए हमारे 4, 6, 8 के क्या है हमारे 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 इन सबको गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है, यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एलसीएम का, फिर आपका काम खत्म। एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना 8, 16 और 20, जो बताया था 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, 16 के फैक्टर होते हैं या गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, एंड 20 के होते हैं हमारे 2 × 2 × 5। तो एलसीएम लेंगे, बताया था मैंने सबसे ज़्यादा बार 2 कितने किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो उसको लिख देंगे 4 बार 2 को गुणा में लिख देंगे, 4 बार, 1, 2, 3, 4, 4 2 बार लिख दिया। फिर देखो जो और कुछ है ही नहीं, सिर्फ 5 बचा, 5 1 ही बार है सबसे ज़्यादा बार, तो 5 लिख देंगे। इन सबको गुना करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16, 16 × 5 = 80। तो 80 जो है इसका एलसीएम है। अब हमने ये सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, अब सीखेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड या विभाजन विधि, तो इसमें क्या होगा, फिर से वही हम ऐसे बनाएंगे, इसमें 8, 16 और 20 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 10 = 20, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। डिवाइड कर रहे हैं, 2 के पहाड़े में 4 जो होता है 2 पे आता है, 2 के पहाड़े में 8 4 पे आता है, 2 के पहाड़े में 10 5 पे आता है। तो 2 × 1 = 2, 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 पे आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 ऐसे उधार लेंगे, जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको वैसे छोड़ देंगे। फिर वही 1 छोड़ देंगे, 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसको छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट टाइम 5 से करेंगे इसको। ये तो एलसीएम जो हो जाएंगे हमारे 2, 2 और 2 और 2 और 5। तो इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80। ये आंसर है। तो बच्चों ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने आसपास सफाई रखें, साफ़ सुथरी जगह रखें, और पढ़ाई करें और मैथ्स को इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।